हेलो फ्रेंड्स, आज ये एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो जेई मेन 2021 में ये पूछा गया है। 24 फरवरी के इवनिंग स्लॉट में पूछा गया था, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखो। इसमें क्या बोला गया था, ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पहले दी गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का बनता है। तो इसमें क्या बोला था, इफ़ ए कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड सेटिस्फाई द दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन फॉर वाट वैल्यू ऑफ बी, बी की किस वैल्यू के लिए ये इसके इक्वल है, इंटीग्रल 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 62/5 के इक्वल है, बी की किस वैल्यू के लिए इक्वल है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं देखो। सबसे पहले इसके डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्स है डी वाई अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में, तो एक्स से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब एक्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ पर तो नहीं है कुछ भी, तो यहाँ 1/x आ गया जाएगा, यानी कि अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये बी एक्स की क्यूब हो गया। अब देखो ये कौन सा टाइप का वो क्वेश्चन बन रहा है, ये लीनियर वाला बन रहा है, और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये इस टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले इसमें इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी एक्स, यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है, 1/x, 1/x इंटू डी एक्स, ये 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या होती 1, तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर हमारा क्या आ गया, हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ गया एक्स। जब इंटीग्रल फैक्टर एक्स आ गया तो अब जो क्वेश्चन की इक्वेशन जो बनेगी कर्व की, तो वो किस प्रकार से बनेगी देखो। इंटीग्रल फैक्टर इंटू वाई, ये वाला वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू इंटू इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रल फैक्टर एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर एक्स है इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी एक्स की क्यूब, तो बी एक्स की क्यूब इंटू डी एक्स, यानी कि ये क्या हो गया, बी एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, बी एक्स टू द पावर 5/5 प्लस सी, एक कॉन्स्टेंट आ गया। यहाँ पर ये कर्व की इक्वेशन आ गई, ये कर्व की इक्वेशन किससे पास कर रही है, 1,2 से। उसने बोला है कि ये कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2, तो 1,2 से ये पास कर रहा है, तो 1,2 रख दो, तो एक्स की वैल्यू 1 इंटू वाई की 2 बी बाई 5 इंटू 1 प्लस सी, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 2 - b/5। अब सी की वैल्यू ये वापस से इसमें पुट कर देंगे तो हमारी कर्व की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी, तो क्या आ गई, एक्स वाई इक्वल टू बी एक्स टू दी पावर 5/5 प्लस 2 - b/5, ये आ गई। यहाँ से वाई निकालो, तो वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी वाई 5x^4, एक्स से डिवाइड कर देंगे इसको, प्लस यहाँ पर करेंगे तो 2 - b/5 इंटू 1/x हो गया। अब हमसे वैल्यू जो पूछी है वो किसकी पूछी है देखो, 1 से 2 लिमिट एफ एक्स, और वाई किसके इक्वल है, एफ एक्स के, यानी 1 से लिमिट 2 y dx इज इक्वल टू 62/5 है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, यानी कि यही तो पूछा है 1 से 2 y dx, तो 1 से 2 y की वैल्यू क्या है, बी वाई 5x^4 प्लस 2 - b/5 1/x, ये dx इज इक्वल टू 62/5 गिवन है, तो ये गिवन है।
यहाँ पर कर दो इसका इंटीग्रेशन। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, बी वाई फाइव तो कॉन्स्टेंट है, इसका क्या होगी ये एक्स टू द पावर फाइव, अपन इसको 25 कर दें क्योंकि अपन में 5 आएगा और इसकी लिमिट 1 से 2, प्लस यहाँ पर ये 2 माइनस बी वाई फाइव ऐसे ही 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा और लिमिट 1 से 2 इज इक्वल टू 62/5। यहाँ पर ये हो गया बी वाई 25, यहाँ पर 2 की 5 बाई मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा 32 माइनस 1 प्लस ये तो 2 माइनस बी बाय 5 और ये क्या हो गया देखो log 2 माइनस log 1, log 1 जीरो तो log 2 बचा इज इक्वल टू 62/5। अब देखो ये 62/5 कब आएगा, ये यहाँ पर तो log 2 आ रहा है तो इसको इस वाले टर्म को तो जीरो होना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, जब ही 62/5 आ सकता है, नहीं तो 62/5 किसी प्रकार से नहीं आ सकता है इसमें क्योंकि log 2 आ रहा है, log इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखो यहाँ अगर b की वैल्यू हम अगर 10 लेते हैं तो ये 5 से 10 डिवाइड होगा 2 बार और 2 माइनस 2 हो गया 0। अगर b की वैल्यू 10 पर ये वैल्यू क्या हो रही है 0, ये 0 हो रही है और b की वैल्यू 10 पर ये कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो 10 रखेंगे ये 31, तो ये 31 और यहाँ है 10, ये 5 से कैंसिल होगा तो ऊपर 2 नीचे 5 और 31, 31 इंटू 2 62/5, तो ये 62/5 भी बन रहा है b की किस वैल्यू पर 10 पर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, b बराबर 10, यानी b की वैल्यू क्या होगी हमारी 10 होगी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ओके, जय हिंद।